नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे साथ हिंदी के वो प्रोफेसर हैं जिनको सुनने के लिए हज़ारों लाखों की संख्या में लोग बैठते हैं, स्टूडेंट्स बैठते हैं। प्रोफेसर संदीप, संदीप जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी हार्दिक धन्यवाद, एसएम न्यूज के माध्यम से मैं अपनी बात रख रहा हूँ, थैंक यू सो मच। संदीप जी, आप बहुजन समाज से आते हैं और बहुजन समाज के जो मेन रीढ़ की हड्डी कहा जाता है वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जिन्होंने दलितों का उद्धार करवाया, लेकिन आज उद्धार बहुजन समाज का फिर भी नहीं हो पाया, उसका क्या विशेष कारण है? उसका विशेष रूप से मुख्य कारण मुझे जो लगता है वो यही है कि हम लोग बाबा साहब की जो फिलॉसफी है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो अंतिम पायदान के व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाए। इसमें कहीं ना कहीं मिशन के लोगों का काम है, जो पढ़े लिखा समाज है वो दूरी बनाकर काम करता है, उसका भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि अम्बेडकरवाद वहाँ तक नहीं जा पाया है। अगर वो लोग काम करते, उनके बीच में लिटरेचर पहुँचता, उनके बीच में उनकी धारणाएँ पहुँचती, तो शायद वो उस तरह से रूप में आ पाता। जी संदीप जी, आप एक प्रोफेसर हैं, बहुत सारे मंचों को भी साझा करते हैं, लेकिन जिसमें रोटी बेटी का एक रिश्ता बताया जाता है वो भी बहुजन समाज के लोग आपस में नहीं करते हैं। जो ये मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने सीढ़ियां बना दी थी, उन सीढ़ियों को भी ख़त्म करने की कोशिश जरा सी भी नहीं करी जाती है, उसका क्या कारण? देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि दो तरह के ब्राह्मणवाद काम करते हैं, एक अंदरूनी ब्राह्मणवाद, एक बाहरी ब्राह्मणवाद है। आप बाहरी ब्राह्मणवाद से जब आप लड़ पाओगे तो वो एकजुटता है, अगर जितना भी आप जागरूक होंगे बाहरी ब्राह्मणवाद अपने आप ख़त्म हो जाएगा। एक अंदरूनी ब्राह्मणवाद वो हमारे बीच का है। जातियों को मजबूत करने की बात तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बिल्कुल नहीं कही, और आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि रोटी बेटी का एक सवाल है, ये अंदरूनी लेवल पर तो हम इस तरह से कर सकते हैं, ये भी एक एकता का, यूनिटी का एक सवाल है। अगर हमारे बीच में तमाम तरह की जो जातियाँ पनप रही है और उत्थान हो रही है उनको हम ख़त्म करें और रोटी बेटी का एक संबंध हम स्थापित करें, तो कहीं ना कहीं ये अम्बेडकरवाद स्थापित करने का एक बहुत कारगर कदम होगा और ये पहल हम सबको करनी पड़ेगी। जी संदीप जी, बहुजन समाज के लोग बाबा साहब की बात करते हैं, गौतम बुद्ध की बात करते हैं, और जहाँ तक देखा जाता है पूजा के विरोध में भी बहुजन समाज के लोग खड़े होते हैं, लेकिन वो ड्राइंग रूम के अंदर तो बाबा साहब और बुद्ध की फ़ोटो लगाते हैं, लेकिन अपने अंदर वाले रूम के अंदर पूजा पाठ सब कुछ कर रहे होते हैं और मंचों पे बात कर रहे होते हैं कि पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, तो इसके ऊपर क्या रहेगा आपका? देखिए, हमारा तो सीधा स्पष्ट मानना है कि सबसे पहली बात विचार प्रमुख है जी। अगर विचार जाएगा, विचारधारा जाएगी, उसी से परिवर्तन आएगा। फोटो लगाने से, फोटो चिपकाने से कोई क्रांति नहीं होती, उससे कोई सुधार होता नहीं। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें, पेरियार की बात करें, या गौतम बुद्ध की हम बात करें, यदि हम उनकी आइडियोलॉजी को मानते हैं और उनके विचारों पर चलने की कोशिश करते हैं, उनकी विचारधारा को समाज में लागू करते हैं, तभी उससे परिवर्तन आ पाएगा। आज बहुजन समाज के लोग जितने भी हैं बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब के नाम पे सब सीएम पीएम बनना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो कहा था उसकी आइडियोलॉजी को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। अब देखिए, पता नहीं हमारे लोग आधे अधूरी बात ज़्यादा करते हैं, और बिल्कुल सही सवाल ये है। ज़्यादातर मैं अक्सर लोगों को कहते हुए देखता हूँ कि राजनीति एक चाबी है जिसके द्वारा सारे ताले खुल जाते हैं, लेकिन ये अधूरी बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके अलावा ये भी कहा है कि आप समाज को जागरूक कीजिए। हमारा ये मानना है कि अगर आप समाज को जागरूक करेंगे, उसी बीच से राजनीति आनी चाहिए। हो क्या गया है कि सीधे सीधे राजनीति करने लग जाते हैं हम लोग, जबकि समाज उतना जागरूक नहीं है। जब तक बैक मजबूत नहीं होगी, समाज जागरूक नहीं होगा, राजनीति अधूरी रहेगी। आप देखिए, आज़ादी के बाद जितने भी नेता आए हैं, अक्सर उनमें ज़्यादातर बिकाऊ या एजेंटों की तरह राजनीतिक दलों की वो एजेंट बनते रहे हैं। ना उन्होंने समाज की बात की, ना उन्होंने जागरूकता की बात की। हो यही गया कि नेता भी अधूरा है और लोग तो अधूरी रहेंगे। तो मुझे लगता है इनका पारस्परिक संबंध इस रूप में हो पाएगा यदि हम समाज को जागरूक करते हैं। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन उसके बीच में से राजनीति जानी चाहिए, तब मुझे लगता है कि कुछ सुधार और कुछ आशा की निगाहों से हम उस चीज़ को देख सकते हैं। आप थे हमारे साथ प्रोफेसर संदीप, जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं अपनी बातों से। संदीप जी, आपने हमारे चैनल से बात करी, इसके धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।